इस वक्त हम F-100 है जो कि हरदी कलाट पे लगा हुआ है। ग्रामीणों द्वारा बताया जा रहा है कि इस सड़क पर दर्जन भर से भी ऊपर गायों की रात को दुर्घटना होने से मौत हो चुकी थी। आपको ये भी बता दें कि आनन फानन में भी ला करके गायों को दफना दिया गया है, पर सवाल ये खड़ा होता है कि गाय पर उतरी कैसे, आज गांव की मौतों का जिम्मेदार कौन है। कहीं पंचायत अगर चाहेगा कि करती है तो कहीं ना कहीं गायों को अपने हाथ धोना नहीं पड़ता। हमारे पास और भी तो कोई नहीं है जिनसे हम ये पूछ सके कि रात के वक्त क्या हुआ था और कैसे कितने संख्या में यहाँ पर गाय थी, पर यहाँ पर एक ट्रक ड्राइवर है जिनसे हम बातें करेंगे कि यहाँ पर जिस संख्या में गाय थी और गाय के मौत होने के बाद में उसे जब जेसीबी में दफनाया गया तो क्या इन सारी घटनाओं को वो अपने आंखों से देखे या नहीं देखे हैं। लगातार ट्रकों का इस NH पर आवाजाही रहता है और आइए बात करते हैं, ट्रक ड्राइवर जी हमारे साथ मौजूद है, क्या नाम भैया आपका? क्या नाम आपका? अनुज सिंह। अच्छा, क्या हो गया आपके गाड़ी को, कितने समय से खड़े हैं आप? मैं कल 8:30 बजे रात से खड़ा हूँ। अच्छा, रात से खड़े हैं आप, तो आपको कब पता चला यहाँ पर दर्जन भर से भी ऊपर गाय की दुर्घटना में मौत हुई करके? ये तकरीबन 11-12 बजे के लगभग। 11-12 बजे मैं सो रहा था। अच्छा, सो रहे थे आप? हाँ, सोने के बाद जब जगे हैं तब घटना था स्थल, तब देखे हैं कि गाय लोग मौत हो गया। अच्छा, तो आप अपनी आंखों से देखे गायों को? जी। अच्छा, कितनी संख्या में रही होगी गाय फिर भी? वही 15-16। तो ये है आनन फानन में यहाँ पर दफना भी दिया गया जैसे ग्रामीण द्वारा बताया गया। इस घटना को आपने देखा क्या कि जेसीबी आई हुई थी, खोदी, फिर गाय को दफनाया गया? हाँ, जेसीबी खोद रहा था। अच्छा, वो चीज आपने देखा? वो देखे, लेकिन गाय डाल के दफनाते हुए नहीं देखा। अच्छा, ये चीज नहीं देख पाए, पर जेसीबी खोद रही थी आपने देखा? जी। अच्छा, तो ये बताया जा रहा है यहाँ पर क्योंकि इनकी गाड़ी खराब हो गई है और खराब होने के साथ ये सड़क पर खड़े थे और जस्ट थोड़ी सी 50 मीटर की दूरी में ये हादसा हुआ है और 17 गायों की यहाँ पर पुष्टि की जा रही है, 17 गायें थी जिनकी मौत रात को दुर्घटना में यहाँ पर मौत हुई। और आनन फानन में यहाँ पर ग्रामीणों द्वारा या फिर आनंद फानंद में जो भी है जिन्हें ये चीज छिपाना था, हादसा को छिपाना था, कहीं ना कहीं अगर गांव में चारेगा की व्यवस्था नहीं थी इसीलिए गायों को सड़क पर आना पड़ा और आज उन्हें अपने मौत से हाथ धोना पड़ा। तो ये सवाल प्रशासन से भी करता है और ये सवाल, बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है, तो कहीं ना कहीं आज चारेगा की व्यवस्था रहती गांव में तो कहीं ना कहीं आज गायों को अपने मौत से हाथ धोना नहीं पड़ता। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप WIWN चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।